certain sum is divided among P, Q, R in a manner that every rupee is debited. मतलब P को जो एक रुपया मिलता है, ठीक है ना, तो Q get 75 पैसे, Q को कितना मिलता है 75 पैसे, ठीक है। P को अगर एक रुपये जाएगी 100 पैसे मिलता है तो P को क्या मिलेगा 75 पैसे, इसके रेशियो कितना हो जाएगा 25 4 100 25 3 75, हो गया। सेकंड में क्या कहता है, फॉर एवरी रुपीज दैट Q get, Q को जो 1 रुपीज मिलता है यानी कि 100 पैसे मिलता है तो R को क्या मिलता है 50 पैसे, इसके रेशियो क्या हो जाएगा 50 को 100 और 50 को 2 और 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रेशियो को इक्वल करना, यहाँ पर क्यू का रेशियो की और यहाँ क्या है टू है, इसको इंटू कर देंगे 2 से, इसको इंटू कर देंगे 3 से, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या मिल जाएगा 4 2 8 3 2 6 और ये हो जाएगा 3 1 3, रेशियो क्या मिल गया 8 6 और 3 पी क्यू। अब क्या बोल रहा है, इफ आर शेयर इन द टोटल सर्विस ₹36, आर का शेयर कितना आया 36 हो गया, यानी 3 का वैल्यू कितना हो गया 3 = 36, तो क्या बोल रहा है फाइंड द शेयर ऑफ पी का, पी का शेयर बता, पी का शेयर कितना 8 है, 3 = क्या 36 कैसे कर लिए 12 एंड वैल्यू कितना 12 * 8 7 से 11 शुरुआत में टिकट का प्राइस क्या था 7 था और अब कस्टमर कितना था 13 था, दोनों के बीच का गैप कितना, और यहां पर क्या हो जाएगा जब प्राइस को इंक्रीज किया गया क्या हो गया 9 हो गया, और नंबर कस्टमर कितना हो गया 11 11 आया कितना, शुरुआत में क्या था 91 था, कितना हो गया 99, यहां पर 91 का वैल्यू गिवन है 91 = क्या 227500, हमको क्या निकालना है 99 का वैल्यू निकालना, ठीक है। आरएमएस इसको डिवाइड कीजिएगा तब क्या आएगा 2500 आएगा, तो 99 का वैल्यू कितना हो जाएगा 99 * 2500 को किससे इंटू करना होगा 99 से, ठीक है। क्या कीजिए, सिंपल सा बात है, 100 सेंट होगा 25 पर ये हो जाएगा, और वो क्या कर लेना 2500 माइनस कर लेना, कितना हो जाएगा 2477500, ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ टिकट इन द रेशियो 8 to 11, मतलब टिकट का प्राइस 8 से इंक्रीज करके 11 कर दिया गया, 8 से इंक्रीज करके क्या कर दिया गया 11 कर दिया गया, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल इन द रेशियो 23 to 21, नंबर ऑफ टिकट जो है वो फॉल हो गया मतलब 23 से 21, ठीक है। देन व्हाट इज द इंक्रीज इन रिवेन्यू, इन रिवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टिकट वाज इतना, मतलब प्राइस इंक्रीज करने से पहले क्या था 36,800 था, जब प्राइस को इंक्रीज किया गया तो रिवेन्यू कलेक्शन में क्या डिफरेंस आएगा, मतलब रिवेन्यू कलेक्शन क्या हो जाएगा आपको बताना, एट टू कर दीजिए 8 3 = 24 कितना 8 2 = 16 160 कितना हो गया 184, और यहाँ पर 21 को 11 से इंटू करने क्या हो जाएगा 23, यहाँ पर 184 का वैल्यू गिवन है 36800, दो बार कट जाएगा कट जा रहा ना 200 बाद में, यस सर, ठीक है। तो ये कमेंट कितना है 200, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है राजस्व में मतलब क्या बोलते हैं कितना इंक्रीज किया, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंस बताना है, तो 231 और 184 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ हुआ 16 वहाँ हुआ 21, 16 और 21 कितना होता है 47, तो एक बराबर कितना 200 और 47 बराबर कितना 9400, ऑप्शन नंबर बी,